खबर बैतूल से है, जहां पुनर्वास क्षेत्र हिरणघाटा का मामला है, जहां एक महिला किसान विगत कई दिनों से हो रही परेशान। महिला अमेला रॉय निवासी हिरणघाटा, जिनके पट्टे की जमीन में घुसने से रोक रहे बंगाली दबंग अरुण मंडल, पिता अजीत मंडल निवासी हिरणघाटा, जिन्होंने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रंगदारी दिखाई जा रही थी, उनकी वजह से कई किसानों को अपने पट्टे के खेत में आने जाने में बहुत परेशानियां हो रही है। महिला किसान ने एक साल पहले भी कार्यालय कलेक्टर ऑफिस में भी ज्ञापन सौंपा था, पर कोई कार्यवाही नहीं दिखाई दे रही है। अनीता रॉय, जिनके पिता विनोद विश्वास उनकी पट्टे की जमीन को अपनी बेटी अमेला रॉय को खेती करने के लिए दे रखी है। एक महिला किसान को कुछ बंगाली दबंग अपने ही खेत में जाने से रोक रहे और गाली गलौच की जा रही है, जहां महिला द्वारा जोपना थाना में भी इसकी जानकारी दे चुकी है। बंगाली दबंगों द्वारा महिला किसान के रोपा करने के पत्ते पर भी कीटनाशक दवाएं का छिड़काव कराकर नष्ट करा दिया गया है। घोड़ा डोंगरी से शिव पूजन ठाकुर की रिपोर्ट। गांव के छोटा छोटा उलझन सुलझाने के लिए, क्या परेशानी करने के लिए औरत लोग खराब किस लिए होता है? इसको जुलूम बोलता है, जुलूम मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना दिन से ये जुलूम है क्या है, लेकिन अभी अच्छे से समझ रही हूँ मैं। जुलूम पूरा खराब कर दिया, अरुण है और उत्तम चिकलपट्टी निवासी उत्तम मंडल, वो चार भाई है दबंग, उन लोग मिल के ये सब करवाया, क्योंकि अरुण अकेला नहीं कर पाया। दबंग उत्तम यकीन नहीं होता है तो जाके दो जाके वहाँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे जो चिकलपट्टी नाका के पास में जो दुकान है उस पर हमला करने का सोचा था। अगर मैं झूठ बोलूँगी तो पूछ सकते हो वहाँ जाके जो क्या हमला किया क्या नहीं किया, और मेरा ये भरपाई कौन करेगा? मैं बच्चे लोग को कैसे पालूंगी? ये मेरे बच्चे ये है, ये 17 साल की बेटी है, देख लीजिए, ये देख लीजिए चुपना स्कूल जाती है, देखिए ये बेटा है, क्या ये बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया कितना कमाने का लायक हुआ ये बताओ? इंसान को समझ नहीं आता मैं कहाँ नहीं गया, दर दर भटक रही हूँ मैं, एक साल से पूरा दर दर घुरा डूंगरी में कई बार गई, चुपना थाना में पिछले बार गई, इस साल गई, बोलता है करेंगे कार्रवाई। उन लोग चाहते हैं मार पीट करो दंगा करो, लेकिन ये सामने वाला भी तो मारने के लिए नहीं आ रहा है, दूर दूर से धमका रहा है। उत्तम उत्तम को क्या बिगाड़ा मैं? कई साल पहले उत्तम इतना बड़ा काम किया, अभी मेरे को यकीन हो रहा है जी इसका पीछे उत्तम का हाथ है। जब मेरे पीछे ऐसा करा वो भी ऐसा ही किया, उसका खुद का एक जैसा तो भाई है उसका पानी में डूब के मार डाला। अभी मैं यकीन के साथ बोलूंगी ऐसा ही जो वही ऐसा ही किया। अभी वो सब जानने से ना जानने से यह मुझे फर्क नहीं है, कल के दिन मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानती हूँ। सच्चाई यही है, उत्तम वहां बैठ के जब इतना नुकसान मुझे कर सकता है तो ये ऐसा सच यही है।